नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज वैशाख शुक्ल पक्षी उदया तिथि पंचमी और शुक्रवार का दिन है। पंचमी तिथि आज दोपहर 12:32 तक रहेगी। आज शाम 7:07 तक धृत योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 9:20 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 8 मई की दोपहर 2:58 से शाम 5:01 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 9:20 से कल सुबह 5:22 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:07 पर शुरू हुआ था और शाम 7:36 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 मई की सुबह 8:16 से दोपहर 3:08 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 7 मई की दोपहर 12:48 से दोपहर 1:06 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:50 से सुबह 10:50 तक, और एक बार फिर दोपहर 1:10 से दोपहर 3:28 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 1:10 से रात 8:04 तक, और एक बार फिर रात 10:22 से देर रात 3:36 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए बेहतर समय अब 8 मई की सुबह 6:32 से दोपहर 1:03 तक, और दोपहर बाद 3:20 से दोपहर 3:27 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए भी आज बहुत अच्छा मुहूर्त सुबह 9:50 से सुबह 10:50 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय कल यानी कि 7 मई की सुबह 6:25 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन सिंह, कन्या, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:38 से दोपहर 12:18 तक। मुंबई 10:59 से 12:35 तक। चंडीगढ़ 10:38 से 12:19 तक। लखनऊ 10:24 से 12:03 तक। भोपाल 10:39 से 12:17 तक। कोलकाता सुबह 9:56 से दोपहर पहले 11:33 तक। अहमदाबाद सुबह 10:58 से दोपहर 12:36 तक। चेन्नई
सुबह 10:31 से दोपहर 12:06 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। घर से निकलकर पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पश्चिम या उत्तर पश्चिम की ओर 7 कदम चलिए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा रहने वाला है। आज आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। आज आपको अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। किसी नए कॉन्टैक्ट से आपको बड़ा फायदा होने के योग बन रहे हैं। कुछ लोगों को आपकी उदारता पसंद आएगी। ऑफिस में सहकर्मी आपकी मदद के लिए तैयार खड़े रहेंगे। इस राशि के छात्रों को जल्द ही बड़ी सफलता मिलने वाली है। लवमेट्स आज अपनी शादी की बात घर पर करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज आपके जीवन में कुछ बदलाव करने का विचार आप बनाएंगे। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको तरक्की के कई नए रास्ते मिलेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। आपको किसी समस्या को सुलझाने का रास्ता मिल जाएगा। आपको अपने सीनियर्स का सहयोग प्राप्त होगा। आप अपने सभी कार्यों को बहुत हद तक समय से पूरा करने में सफल होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज आपको धन लाभ के कई मौके मिलेंगे जिसको आप भी हाथ से जाने नहीं देंगे। आज किसी कोर्ट केस का फैसला आपके पक्ष में आएगा। सेहत में कुछ उतार चढ़ाव बना रहेगा। पेपर वर्क पूरा न होने से आपका कुछ जरूरी काम देरी से पूरा होगा। परिवार के लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। जरूरत के वक्त वो आपके साथ खड़े रहेंगे। आज आप वाहन लेने का मन बनाएंगे। लवमेट्स के लिए दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज आप अपने सभी कार्य समय से पूरा करने में सफल होंगे। आपको कार्यों में किसी अनुभवी की राय लेना फायदेमंद रहेगा। जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को लेकर आप ज़्यादा ही भावुक होंगे। आपको अपनी भावनाओं पर थोड़ा काबू रखना चाहिए। कारोबार में फायदा होगा, लेकिन आपको अपने खर्चों पर अभी भी कंट्रोल बनाकर रखना बेहतर रहेगा। आज आपके दाम्पत्य रिश्ते में मजबूती आएगी। लवमेट्स कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज ऑफिस में किसी नए प्रोजेक्ट पर काम मिलेगा जिसे आप सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपके काम से आपके जीवन साथी प्रसन्न होंगे। आपको किसी लेन देन से फायदा होगा। किसी रिश्तेदार की मदद से आज कोई रुका हुआ कार्य पूरा होगा। इस राशि के जो लोग सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको आज किसी अच्छी कंपनी से जॉब के लिए ऑफर आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहने वाला है। आपको अजनबी लोगों से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। किसी भी काम में बड़ों की सलाह लेना बेहतर रहेगा। पढ़ाई के प्रति आपकी एकाग्रता में कुछ कमी आएगी। साथ ही बिजनेस में विरोधियों से भी आपको बचकर रहना चाहिए। नज़दीकी रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए। खुद को फिट रखने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करने की ज़रूरत है। लवमेट्स आज आपको आपकी पसंद का उपहार देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको किसी तरह के कानूनी मामले में बड़ी मदद मिलेगी। आज आप परिवार वालों के साथ घरेलू सामान की शॉपिंग करने जाएंगे। परिवार में सामंजस्य स्थापित करने में आज आप सफल होंगे। आपको दूसरों की मदद करने के मौके मिलेंगे। दोस्तों के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। ऑफिस में पदोन्नति होने के योग बन रहे हैं। आज आप अपना घर खरीदने के बारे में विचार करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। कुछ लोगों से आपको उम्मीद से अधिक फायदा होगा। लवमेट्स को आज अचानक कोई गिफ्ट मिलेगा। थोड़ी मेहनत से आपको किसी बड़े धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। आपका दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहेगा। पार्टनर के साथ कहीं घूमने का मन बनाएंगे। दोस्तों की मदद से आप कोई घरेलू कार्य पूरा करने में सफल होंगे। ऑफिस में आपका कोई नया दोस्त बनेगा जिसके साथ लंबी दोस्ती चलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज आपका दिन घूमने फिरने में बीतेगा। आप परिवार वालों के साथ मनोरंजन के लिए कहीं
ट्रिप पर जाने का प्लान बनाएंगे। इस राशि के व्यापारी वर्ग को अचानक कोई बड़ा धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे हो जाएंगे। आज आप अपने व्यापार की रणनीतियों में कुछ बदलाव करेंगे जिसका फायदा भी आपको नजर आएगा। दाम्पत्य जीवन मधुरता से भरा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज आप लोगों को अपनी योजनाओं से सहमत कर लेंगे। आपको सबका पूरा साथ मिलेगा। ऑफिस में सीनियर्स आपके काम को देखकर खुश होंगे। लव मेट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। आपकी सफलता से माता पिता प्रसन्न होंगे। दाम्पत्य जीवन में चल रही अनबन आज समाप्त होगी। आज आप काम के मामले में किसी नई तकनीक को सीखने की भी कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। छोटे पैमाने पर अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो आगे चलकर आपको फायदा होगा। महिला उद्यमियों को अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। आज आपको बिजनेस के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रा सफल भी रहेगी। आसपास कुछ पॉजिटिव बदलाव आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। आपके काम में कुछ नए लोग भी जुड़ सकते हैं। आज आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आपको किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा। आज आपको किसी भी वाद विवाद से बचना फायदेमंद रहेगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलने की जरूरत है। ऑफिस में स्थिति आपके लिए फेवरेबल रहेगी। आज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। सीनियर्स आपके किसी काम से खुश होंगे। आज आपकी सेहत में सुधार आएगा। सभी कार्यों में माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। छात्र आज किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए फॉर्म भरेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज हरी सब्जी दान करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी बच्चे को फल दें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आपको धन लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। मूलांक 2, आज आप उत्साह में रहेंगे जिससे आप अपने रुके हुए काम पूरे कर लेंगे। मूलांक 3, आज कार्यों में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जिससे थकावट महसूस होगी। मूलांक 4, आपको सबकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए, हो सकता है कुछ सीखने को मिले। मूलांक 5, उधार के लेन देन से बचें, पैसों को लेकर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। मूलांक 6, जीवन साथी के साथ खुशी के पल व्यतीत करेंगे जिससे रिश्तों में प्यार बना रहेगा। मूलांक 7, मुश्किल काम में दोस्त का सहयोग मिलेगा जिससे वो काम पूरा हो जाएगा। मूलांक 8, किसी समारोह में शामिल होंगे, वहां पर आपका कोई जानने वाला भी मिलेगा। मूलांक 9, व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। ये अवसर आपके लिए लाभदायक होंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे मनी प्लांट के पौधे के बारे में। घर में साज सज्जा के लिए बहुत से पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो साज सज्जा के साथ साथ घर में सुख समृद्धि की दृष्टि से भी अच्छे होते हैं। ऐसा ही एक प्लांट मनी प्लांट है। अधिकतर घरों में आपने पौधा देखा होगा। लताओं वाला ये पौधा हरे रंग का होता है। घर में मनी प्लांट लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, साथ ही घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और धन की आवक बढ़ती है। वास्तु के साथ इंटीरियर की दृष्टि से भी मनी प्लांट का पौधा काफ़ी अच्छा होता है। मनी प्लांट से न सिर्फ धन की बढ़ोतरी होती है बल्कि रिश्तों में भी मधुरता आती है। इसे आप घर के अंदर या बाहर कहीं भी लगा सकते हैं। इसे आप चाहें तो गमले में लगा सकते हैं, नहीं तो बोतल में भी लगा सकते हैं। और वास्तुशास्त्र में इसी चर्चा मनी प्लांट के पौधे के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज वैशाख शुक्ल पक्षी उदया तिथि पंचमी दिन शुक्रवार, पंचमी तिथि आज दोपहर 12:32 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज शाम 7:07 तक धृत योग रहेगा। धृत योग के दौरान रखा गया नींव का पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं देता है। अर्थात यदि रहने के लिए किसी घर का शिलान्यास इस योग में किया जाए तो इंसान उस घर में रहकर सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है और आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। साथ ही आज सुबह 9:20 से शुरू होकर कल दोपहर 12:18 तक
सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला रवि योग रहेगा। रवि योग सभी कुयोगों को, अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रखता है। इस योग के दौरान शुरू किए गए कार्य बिना किसी बाधा के सफल जरूर होते हैं। साथ ही आज सुबह 9:20 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा। आर्द्रा नक्षत्र की चर्चा हम कल ही कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु को सातवां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें वसु शब्द के अर्थ को समझना होगा। वसु को उपदेवताओं के समान माना जाता है और वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन तथा सौभाग्य के स्वामी हैं। अतः पुनर्वसु नक्षत्र भी धन और सौभाग्य का सूचक है। इसका अर्थ है पुनः धनी या सौभाग्यशाली होना। पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बाणों से भरे हुए तरकस को माना जाता है। जिस प्रकार बाण का काम अपने लक्ष्य को भेदना होता है, उसी प्रकार पुनर्वसु नक्षत्र अपने प्रभाव में आने वाले व्यक्ति के सौभाग्य को सुनिश्चित करता है। साथ ही इसका संबंध बांस के पेड़ से है और जिस नक्षत्र का संबंध जिस पेड़ से होता है, उस नक्षत्र में जन्मे लोगों को उस नक्षत्र से संबंधित पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज बांस के पेड़ की उपासना करनी चाहिए तथा हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सौभाग्य में बढ़ोतरी भी होगी। लिहाजा अगर आप भी अपने सौभाग्य को सुनिश्चित करना चाहते हैं और अपनी हर मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, तो आज आपको पुनर्वसु नक्षत्र से जुड़े कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए। आज अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आप कौन कौन से उपाय करके फायदा उठा सकते हैं, फिलहाल हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो इसके लिए पुनर्वसु नक्षत्र में ऑफिस या दुकान के आप मुख्य द्वार के ऊपर बांस के 6-6 इंच के 2 टुकड़े लगाइए और ध्यान रहे कि उसके दोनों सिरे खुले हुए होने चाहिए। अगर बांस न मिले तो बांस से बनी बांसुरी को उपयोग में ला सकते हैं और उनके साथ एक मोर का पंख भी लगा दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके नए काम में तरक्की ही तरक्की होगी। अगर आप अपनी कला को निखारना चाहते हैं, तो आज आपको उचित स्थान पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए और वहीं पास में ही एक छोटी सी रंगोली बनानी चाहिए। आप देवी माँ के सामने उस रंगोली के बीचों बीच एक घी का दीपक जलाइए और देवी माँ की विधि विधान से पूजा कीजिए। साथ ही अपने हाथों से ताजे फूलों की माला बनाकर देवी माँ को चढ़ानी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी कला निखरेगी और समाज में आपका नाम बढ़ेगा। अगर आप अपने मनपसंद जीवन साथी से विवाह करना चाहते हैं और उसमें कोई अड़चन आ रही है, या फिर आपकी कन्या के विवाह में कोई परेशानी है, तो पुनर्वसु नक्षत्र में श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का एक माला जप करें। संभव हो तो स्फटिक की माला से जप करें और जाप के बाद भगवान को भुने हुए आटे में पिसी हुई शक्कर का भोग लगाएं, पंजीरी का भोग। अगर आपकी तमाम कोशिशों के बाद भी आपको कार्यक्षेत्र में मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आज स्नान आदि के बाद मंदिर जाकर भगवान को पुष्प अर्पित कर हाथ जोड़कर प्रणाम करें और फिर भगवान से मनचाही सफलता पाने के लिए प्रार्थना करें। अगर खूब मेहनत के बावजूद भी आपको पैसों के मामले में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद विधिपूर्वक धूप दीप से देवी माँ की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद देवी माँ का ध्यान करते हुए चावल से हवन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी मेहनत के अनुसार पैसों के मामले में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। अगर आप अपने लक्ष्य को ऊंचे मुकाम तक ले आना चाहते हैं, तो आज पुनर्वसु नक्षत्र के दौरान मंदिर या किसी धर्मस्थल पर चने की दाल दान करें। साथ ही गुरु के मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह बृहस्पतये नमः। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने लक्ष्य को ऊंचे आप अपना ऊंचा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आपके घर में धन दौलत तो बहुत है, लेकिन परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य नहीं है, तो इसके लिए पुनर्वसु नक्षत्र में 2 बांसुरी लेकर उसे अपने घर की बीम के दोनों तरफ लाल कपड़े के फीते से बांध दें और ध्यान रहे कि बांसुरी का मुंह आपके घर के मुख्य दरवाजे की ओर रहे। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार के आपसी संबंधों में धीरे धीरे करके सुधार आने लगेगा।
अगर आप अपने कामों की गति को बनाए रखना चाहते हैं या अपने किसी खास काम की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज एक सफ़ेद कोरा कागज और केसरिया सिंदूर लीजिए। अब उस सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर उसे सफ़ेद कोरे कागज पर भगवान राम का नाम लिखिए, राम राम राम, इस तरह 11 बार राम नाम लिखना है। लिखने के बाद उस कागज को अच्छे से सुखा लें और सूखने के बाद उस कागज को मोड़कर अपने पास रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके कामों की गति बनी रहेगी और आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को मधुर बनाना चाहते हैं तो आज सफ़ेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर उसमें थोड़ा सा केसर मिलाकर लेप बना लें और मंदिर जाकर या घर पर ही भगवान की तस्वीर को उस लेप से तिलक लगाएं। इसके बाद बचे हुए लेप से अपने जीवन साथी के और अपने मस्तक पर भी तिलक लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मधुर होंगे। अगर आप अपनी योग्यता के बल पर सरकारी क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं तो आज पुनर्वास नक्षत्र के दौरान घर के आसपास किसी मंदिर या स्थल की साफ सफाई में अपना योगदान दीजिए। साथ ही बृहस्पति के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह बृहस्पतये नमः। आज के दिन ऐसा करने से आप अपनी योग्यता के बल पर सरकारी क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने में सफल होंगे। और अगर आप अपने घर और कारोबार को की लक्ष्मी को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं या कहें उसे सिद्ध करना चाहते हैं तो आज आपको देवी लक्ष्मी के आगे, माता लक्ष्मी जी के आगे घी का दीपक जलाकर उन्हें शक्कर का भोग लगाना चाहिए। साथ ही देवी माँ के चरणों में 5 कौड़ियाँ रखिए और पूर्व दिशा की ओर मुँह करके देवी माँ की का ध्यान करते हुए स्फटिक की माला पर 108 बार माता के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्मी नमः। इस प्रकार मंत्र का जप करने के बाद देवी माँ के चरणों में रखी कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर और कारोबार की लक्ष्मी हमेशा बनी रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज धित योग, रवि योग और पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें किसी की मदद से नौकरी पाने का मौका मिलेगा। B, कार्यों में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा जिससे आपका काम पूरा हो जाएगा। C, आज आप जो भी काम करें पूरी जिम्मेदारी से करें ताकि समय से पूरा हो जाए। D, आज आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की जरूरत है, सर्दी जुकाम हो सकता है। E, किसी और के पारिवारिक मामलों में दखल न दें, नहीं तो वो आपसे नाराज हो सकता है। F, आज पूरे दिन आपके चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहेगी, आपको खुश देखकर लोग भी खुश होंगे। G, व्यापार के लिहाज से आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। H, पारिवारिक जीवन खुशहाल बना रहेगा, रिश्तेदारों के साथ भी रिश्ते बेहतर होंगे। I, अगर आप कहीं पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं तो किसी अनुभवी से सलाह अवश्य ले लें। J, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आज आपसे दूर रहेंगी जिससे आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। K, आज आपको कैश के लेन देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। L, निजी कार्यों में बहुत सोच समझ कर ही कोई निर्णय लीजिए, दूसरों से राय लेना ठीक नहीं है। M, आज पारिवारिक इनकम में बढ़ोतरी होगी, साथ ही व्यापार को आगे बढ़ाने के नए मौके मिलेंगे। N, आज आपको अपनी सोच सकारात्मक रखने की जरूरत है, नहीं तो आप उलझन में पड़ सकते हैं। O, आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, घर की जरूरत का सामान भी लेंगे। P, करीबी रिश्तेदारों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे, आप उनके घर घूमने भी जाएंगे। Q, आपका स्वास्थ्य पहले से अच्छा बना रहेगा, साथ ही किसी काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। R, आपको आज किसी काम की कोई जिम्मेदारी मिलेगी, उसको आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। S, पारिवारिक समस्याएं सुलझाने में आज आप काफ़ी हद तक सफल होंगे। T,
आज विरोधी पक्ष आपके कार्यों में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। योग, तीव्र प्रगति के बावजूद भी आपको अपने कामों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वी, आपकी शादी की बात पक्की होगी जिससे दोनों पक्ष एक दूसरे को मिठाई खिलाएं। डब्ल्यू, परिवार के खर्चों में वृद्धि होगी जैसे आपका बैंक बैलेंस थोड़ा कम होगा। एक्स, अगर आप बिजनेस में कोई नया सौदा करने की बात सोच रहे हैं तो आज कर सकते हैं। वाई, आर्थिक उन्नति के प्रयास सफल होंगे, कोई जरूरी काम समय पर पूरा होगा। जेड, आपने किसी को रुपए उधार दिए हैं तो आज आपको वापस मिलेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं झाड़ी वाले हनुमान बाबा के दर्शन। हनुमान जी का ये मंदिर मथुरा के नौझील शेरगढ़ रोड के पास स्थित है। कहा जाता है कि यह हनुमान जी का स्वरूप बहुत जागृत है। मान्यता है कि रामायण काल में सेतु बनाते समय हनुमान जी द्रोण पर्वत के पुत्र को लेकर सेतु में सहायता के लिए जा रहे थे। तभी उन्हें संदेश मिला कि अब और पत्थरों की आवश्यकता नहीं है। गोवर्धन में छोड़े जाने पर द्रोण पर्वत का पुत्र काफ़ी निराश हो गया। जब भगवान राम ने उन्हें द्वापर में दर्शन देने का वादा किया, वरदान दिया, और हनुमान जी ने सदैव उनके साथ रहने का आश्वासन दिया और पास ही झाड़ियों में निवास करने लगे, तभी इस स्थान को झाड़ी वाले हनुमान बाबा कहा जाता है। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी अंडाकार यानी अंडे के आकार की ठोड़ी वाले लोगों के बारे में, और आज हम उसी कड़ी में अन्य खूबियों के बारे में चर्चा करेंगे। सामुद्रिक शास्त्र में ऐसे लोग कला और सौंदर्य प्रेमी तो होते ही हैं, साथ ही ये मृदुभाषी यानी मीठा बोलने वाले और व्यवहार कुशल भी होते हैं। दूसरे लोग इनके व्यवहार से तुरंत प्रभावित हो जाते हैं, साथ ही ये बड़े ही उत्साही और चंचल मन वाले होते हैं। इन्हें घूमना फिरना और प्रकृति का आनंद लेना बहुत अच्छा लगता है। आपको बता दें कि इस तरह की ठोड़ी वाला चेहरा चित्रकारों और शिल्पकारों की भी पसंद रहा है। सौम्य स्वभाव के चेहरे की चित्रकारी में अंडाकार आकृति का सहारा लिया जाता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इस प्रकार की ठोड़ी ज़्यादातर महिलाओं की होती है, लेकिन कोमल विचारों वाले दिल के साफ पुरुषों की ठोड़ी भी इसी प्रकार की हो सकती है। बहुत से महापुरुष, देवी देवता, अप्सराएं, मानवीय गुण संपन्न व्यक्तियों की मुखाकृति का चित्रण भी इसी आकृति के अनुरूप किया जाता है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा अंडाकार यानी अंडे के आकार की ठोड़ी वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 6 मई को वैशाख शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पंचमी है। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है, ये आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। पंचमी तिथि आज दोपहर 12:32 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी जो कल दोपहर बाद 2:56 तक रहेगी। षष्ठी तिथि में नीम की पत्तियाँ चबाना, उसका नीम का फल, दातुन, कुछ भी मुंह में डालना, यहाँ तक कि नीम के फेस वॉश का इस्तेमाल करना भी निषिद्ध है। अतः आज दोपहर 12:32 तक आपको बेल का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद कल दोपहर 2:56 तक आपको नीम या नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एही रुद्र आज्ञापयति स्वः। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज आप आईने में मुंह देखकर घर से निकलें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।